हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे फिर से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रागनी राय ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं आप सबके लिए काबुली चने का छोले का रेसिपी लेकर आई हूँ। गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरा छोले बनाने का तरीका कैसा लगा है आपको और मेरा छोला कैसा लगा है आपको। प्लीज़ गाइस मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा छोला कैसा बना है। तो गाइस देखिए, मैं यहाँ पर टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्चा सब काट रखी हूँ। यहाँ पर पहले से ही चना और आलू उबाल रखी हूँ। तो गाइस देखिए, मैं यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालूँगी, उसके बाद उसमें लहसुन, अदरक, मिर्चा, प्याज और टमाटर सब डाल करके हल्का फ्राई करूँगी। हल्का फ्राई करके उसके बाद इसको मैं ग्राइंड करूँगी। गाइस इस तरह से ग्रेवी बहुत अच्छा बनता है और छोला का स्वाद भी दोगुना बढ़ जाता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा सब फ्राई हो चुका है। मैं इसको प्लेट में निकालूँगी और ठंडा होने दूँगी, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। यहाँ पर मैं कढ़ी पत्ता, शिमला मिर्च, हरा धनिया और तेज पत्ता ले ली हूँ तड़का मारने के लिए। तो गाइस देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हींग डालूँगी पहले, उसके बाद तेज़पत्ता दो चार डालूँगी, उसके बाद कढ़ी पत्ता और शिमला मिर्च डालकर फ्राई करूँगी। उसके बाद इसमें जो मसाला ग्राइंड किया है उसको हम भूनेंगे। कुछ इसमें दो चार हम लाल मिर्च डालेंगे साबुत। गाइस देखिए, मैं यहाँ पर ग्राइंड कर रही हूँ, उसके बाद इसको डालकर अच्छे से हम फ्राई करेंगे। मसाला को अच्छे से भूनेंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरा छोला कैसा बना है। और हम इसको अच्छे से भूनेंगे मसाले को। इसमें देखिए, हम धनिया पाउडर लिए हैं, सब्जी मसाला लिए हैं, हल्दी पाउडर लिए हैं और गरम मसाला है और छोला मसाला है। इसको हम डालेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो गाइस देखिए, इसमें अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालकर इसके बाद यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे तीखा चटपटा बनाने के लिए। तो गाइस देखिए, इसको डालकर भी अच्छे से हम इसे चलाएंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे कि हमारा सब मसाला अच्छे से पक जाए। गाइस देखिए, हमारा मसाला पक चुका है। अब इसमें हम चिली पाउडर डालेंगे। तो गाइस देखिए, इसको डालकर भी अच्छे से हम इसको चला लेंगे। देखिए हमारा मसाला भून रहा है, अच्छे से भूनेंगे इसको कि हमारा मसाला तेल छोड़ दे, कढ़ाई से छूट जाए पूरा मसाला। तो देखिए, हमारा मसाला यह भून चुका है। गाइस देखिए, इसके अंदर हम इसमें चना और आलू डाल करके इसको भी अच्छे से इसी कढ़ाई में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको हम कुकर में पलट करके और इसमें पानी ही डाल करके और फिर उसमें सीटी लगाएंगे, जिससे हमारा छोला बहुत ही अच्छा बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा। तो गाइस देखिए, मैं कुकर में पलट ली हूँ, उसके बाद उसमें अपने अनुसार पानी डाली हूँ। तो गाइस देखिए, हमारा छोला कितना अच्छा लग रहा है। इसको हम दो चार सीटी लगाएंगे। तो देखिए गाइस, इसको हम अच्छे से मिला करके पानी आप अपने अनुसार डालिएगा, देखिएगा कम या ज़्यादा। उसके बाद इसको हम अच्छे से ढक्कन लगा करके चार सीटी लगाएंगे। तो गाइस देखिए, हमारा यहाँ पर छोला रेडी हो गया है। अब इसको ढक खोल कर देखेंगे। तो गाइस देखिए, कितना अच्छा लग रहा है हमारा छोला, कितना अच्छा हमारा छोला लग रहा है गाइस। तो देखिए, इसमें अब खूब सारा हम हरा धनिया पत्ता डालेंगे। अब इसको हम सर्व करेंगे, देखते हैं कैसा बना है। गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा छोला कैसा बना है। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा छोला कैसा बना है। गाइस मिलेंगे
एक नए वीडियो के साथ। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सपोर्ट करें, मेरे चैनल को आगे बनाएं। तब तक के लिए बाय।